सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को और मेरा नाम नुसरत है और ये आप देख रहे हैं, आपको एक हंडिया नज़र आ रही होगी, ये बजीस की हंडिया है। मेरे एक बजीस के पेयर ने माशाल्लाह से 6 बच्चे निकाले थे, तो वो बच्चे जो है इस हंडिया में थे और इनके माँ बाप भी इसमें चले जाते थे, यानी जब मादी अंदर होती थी तो इसके नर भी अंदर चले जाता था, तो जगह बहुत थोड़ी रह गई थी। तो मैंने ये सोचा कहीं ये जो है बच्चे मर ना जाएं स्पेस कम होने की वजह से, तो क्यों ना मैं इनको फ़िशर की हंडिया में चेंज कर दूं। तो मैंने आज इरादा किया कि इनको फ़िशर की हंडिया में चेंज कर दूं। तो व्यूअर्स आइए देखते हैं फ़िशर की हंडिया। ये फ़िशर की हंडिया है और आपको अंदर बेबीज़ भी नज़र आ रहे होंगे और आप फ़र्क भी देखिए कि ये ऑस्ट्रेलियन बजीस के लिए जो हंडिया होती है वो है और ये फ़िशर की हंडिया है जो थोड़ी स्पेस में और हजम में बड़ी होती है, यानी इसका अंदर से जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। तो आइए नाज़रीन, आप देखिए मेरे बजीस के जो बेबीज़ हैं वो माशाल्लाह से 6 हैं और एक इसमें सबसे छोटा सा है जो कि बहुत आखिरी में निकला होगा। तो मैं ये समझ रहा था कि अगर ये अंदर गर्मी की वजह से स्पेस कम होने की वजह से अगर मर गए तो दुख होगा, तो आपको उम्मीद है कि इससे भी एक इन्फॉर्मेशन आपने गेन की होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसी अच्छी मालूमाती वीडियो लाता रहूं और आपके लिए मालूमात शेयर करता रहूं ताकि आपको भी फ़ायदा हो बर्ड्स के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बर्ड्स कलेक्शन कराची को और बेल के आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।